तो अभी मैं हूँ एक चींटी के साइज का, एंड आहिस्ता आहिस्ता इन चैलेंजेस को पार करके मैं बहुत ही ज्यादा जायंट हो जाऊंगा। बट अभी तो मैं चींटी के साइज का हूँ यार, तो पहले अपने साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं। एंड सामने मुझे दिख रहा है मेरा पहला चैलेंज, एंड इस पर लिखा है लेट समवन स्टेप ऑन यू। तो मतलब कि कोई मेरे ऊपर पाँव रखेगा, सीरियसली। सामने एक चेस्ट है तो इसको ओपन करते हैं, एंड सामने एक है सिंपल डायमंड चीजल, एंड इससे मैं छोटे छोटे ब्लॉक तोड़ सकता हूँ। हाँ वैसे भी मैं अभी बहुत छोटा हूँ तो मैं बड़े ब्लॉक तो तोड़ नहीं सकता। तो अभी मैंने किसी मॉब को ढूंढना है ताकि वो मेरे ऊपर पाँव रखे। A few moments later. बट यहाँ पर तो कोई मॉब भी नहीं है यार। वेट, यहाँ पर एक चिकन है, लेकिन पहले मुझे इसके पास जाना होगा ताकि ये मेरे ऊपर पाँव रखे। अरे ये तो मेरे से बहुत दूर जा रही है यार। वेट, मेरे सामने एक चिकन है, एंड यस, इसने मेरे ऊपर पाँव भी रख दिया। तो हमारा पहला चैलेंज कंप्लीट हुआ। अभी मुझे वापस जाना है अपने चैलेंज बोर्ड की तरफ ताकि मैं थोड़ा बड़ा हो सकूं यार। तो अभी मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को वापस लगा देता हूँ, एंड अब हम पहुंच चुके हैं अपने लीवर की तरफ। बट मैं लीवर को छू भी नहीं पा रहा। वेट, मेरे पास एक तरकीब आई है। अगर मैं इन ब्लॉक्स को तोड़ तोड़ के ऊपर जाऊँ तो शायद मैं उस लीवर तक पहुंच पाऊंगा। एंड यस, ये काम कर रहा है। एंड बस हमारा लीवर सामने आने वाला है। पहले मैं साइड पे ब्रिज बना लेता हूँ ताकि आराम से लीवर को फ्लिक कर सकूँ। एंड 3, 2, 1, एंड मैं वापस से नॉर्मल हो गया हूँ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है डिस्ट्रॉय द विलेज। इसका मतलब मुझे विलेज को डिस्ट्रॉय करना है, बट मेरे पास तो कोई सामान ही नहीं है। वेट, इस चेस्ट में टीएनटी कहाँ से आए? पता नहीं जहाँ से गए, पर मैं तो रख लेता हूँ। एंड अब मैंने इस पूरे विलेज को तबाह करना है। एंड टू विलेजर क्या कर रहा है, भाग यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले हम टीएनटी लगा लेते हैं इस पूरे विलेज में। इस घर में भी लगा लेता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ओके, तो काफी हद तक मैंने टीएनटी लगा दी है, एंड अब इस जगह को फोड़ते हैं। लेट्स गो। ओके, तो काफी ज्यादा तबाही हो रही है यहाँ पर। एंड ये आयरन गोलम किस तरह बच गया ब्रो? इसको भी मारूंगा भाई मैं। इसके ऊपर पहले ब्रिजिंग करते हैं, एंड ऐसे इसके ऊपर टीएनटी फोड़ेंगे। अभी भी बच गया। नहीं भाई, ये तो मरेगा। यस, मर गया। यही मारता था मेरे को बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब हमारा चैलेंज हो चुका है कंप्लीट। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, क्योंकि हमने अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा करना है और बहुत ही जाइंट बनना है। ओके, तो मैं लीवर को फ्लिक करता हूँ, एंड ब्रो मैं काफी ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। लाइक इस पूरे विलेज से बड़ा हो गया हूँ मैं। एंड अब अपने नेक्स्ट चैलेंज को देखते हैं कि क्या है। किल द जाइंट। भाई देखो, इसका मतलब तो मुझे वो है, दुआता है किस दिस इतना बड़ा आयरन गोलम। बट यार मैं इसको ऐसे तो नहीं मार सकता, पहले मुझे इसके लिए एक स्वॉर्ड चाहिए होगी। तो पहले एक स्वॉर्ड बना लेते हैं, यहाँ से पहले वुड तोड़ लेते हैं। ओके, तो मैं स्वॉर्ड लेके आ चुका हूँ, एंड अब मैंने इसको मारना है। वेट, ये मुझे मार भी नहीं रहा। आई थिंक ये अच्छा जाइंट होगा। सॉरी ब्रो, मुझे तेरे को मारना होगा ताकि मैं बहुत ही बड़ा जाइंट बन सकूँ। एंड इसने आयरन भी ड्रॉप किया है। तो इसी के साथ हमारा ये भी चैलेंज कम्प्लीट हुआ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज की तरफ, पर उससे पहले मैं अपना साइज तो बढ़ा लूँ। एंड मैं बादलों तक पहुंचने ही वाला हूँ। ओके, तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है ग्रैब द सन। व्हाट, अबे ये कैसा बेवकूफ वाला चैलेंज है भाई? सन तो इतना दूर होता है। तो सन को पकड़ने के लिए आई थिंक हमें पहले किसी ऊंची जगह पर जाना होगा, जैसे कि मैं अभी पहाड़ पे आ चुका हूँ। एंड अब एक बार ट्राई करते हैं सन को पकड़ने की। वेट, मुझे आग लग गई। पानी में जाओ भाई। देखो भाई, सन तो होता है काफी ज्यादा गर्म, तो उसकी वजह से मुझे आग लग जा रही है। तो इसीलिए मुझे पहले उसको ठंडा करना होगा। एंड सामने की तरफ में स्नो है, तो पहले मैं स्नो को इकट्ठा करता हूँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्नो इकट्ठी कर ली है। अब मैं इसको सन की तरफ मारता हूँ। ओके, तो मैंने सारे की सारे स्नो सन की तरफ फेंक दी है। एंड अब एक बार ट्राई करते हैं सन को पकड़ने का। वेट, मुझे अभी भी आग लग रही है। तो मुझे पहले सन को और ज़्यादा ठंडा करना होगा, तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्नो चाहिए। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा स्नो मैंने सन की तरफ फेंकी है। एंड अब एक बार सन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड वेट, मैंने सन को पकड़ लिया। भाई साहब, ये कैसे पॉसिबल है? ऑलराइट, तो अब हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो पहले मैं सन को वापस उसकी जगह पर लगा देता हूँ। तो सन अपनी जगह पर वापस लग चुका है। एंड पहले अपनी हाइट को बढ़ा लेते हैं। ओके, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ। एंड अब का हमारा चैलेंज है किल द एंडर ड्रैगन। तो आखिर वो वक्त आ चुका है जब हमें ड्रैगन को हराना है।
तो लेट्स गो। एंड यहाँ पर है एंडर पोर्टल, एंड मुझे इस जगह की खुदाई करनी है। A few inches later. ओके, तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा खुदाई कर ली है, तुम लोग देख सकते हो। एंड अब मैंने बस इन ब्लॉक्स को तोड़ना है, तभी मैं अंदर एंटर कर पाऊँगा। ओके, तो मैं पोर्टल के अंदर एंटर हो चुका हूँ, बट मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। मैं साइज में इतना बड़ा हूँ कि मुझे खुद भी नहीं दिख पा रहा। तो पहले इसके एंड क्रिस्टल को तोड़ लेते हैं। ओके, तो सारे एंड क्रिस्टल मैंने तोड़ दिए हैं। एंड अब बारी है एंडर ड्रैगन को हराने की। अब मैं इतना बड़ा हूँ तो मैं इसको आराम से एक दो हिट्स में हरा दूंगा। ओके, तो ये रहा पहला हिट, एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कम हो गई है। एंड ये रहा सेकेंड हिट, एंड एंडर ड्रैगन मर चुका है। सो फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को भी हरा दिया है। तो हमारे इसी के साथ सारे चैलेंजेस कंप्लीट हुए, एंड मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जायंट हूँ, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है ना, तो इस वीडियो को लाइक करना यार। एंड बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में। गुड बाय।